वंदे मातरम। आज हमारी भारतीय वायु सेना ने सुबह के लगभग 3-3:30 बजे के आसपास जैश ए मोहम्मद के 3 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और ये खबर सुनकर मेरा मन आज थोड़ा सा राहत का भाव महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारी जो अभी 45 जवान शहीद हुए थे असमय, बहुत कम कम उम्र के थे वे सब, और वो अपनी जीवन यात्रा को असमय संपूर्ण करके हमें हमसे विदा लेकर चले गए। कितने रिश्ते बर्बाद हुए हैं, कितने रिश्ते दुखी हैं, एक नहीं है, एक के साथ अनेक रिश्ते हैं, अनेक, किसी का पति, किसी का भाई, एक ही इंसान, कितने रिश्ते उससे दुखी होते हैं जाने से। और पूरा देश तो है ही, खैर, क्योंकि वो हमारे भी रिश्ते में बहुत खास हैं। वो हैं सीमाओं पर तैनात, तो हम हैं यहाँ सुरक्षित। मैं ये सोचती रहती हूँ कि जो हम देखती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ और इतनी भीड़ भाड़, लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कहीं मॉल्स में, कहीं थिएटर्स में, और अपने घूम रहे हैं कहीं पार्क में, कहीं कहीं, ये सब किसके कारण है? इन वीर जवानों के कारण ही तो है। अगर ये सीमाओं पर हमारी रक्षा ना करें तो हम यहाँ पे इतनी मौज मस्ती से रह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। और आज मुझे वो देशभक्ति का वो जो गीत है, मैं अपने बचपन से उसे बहुत गाती थी अपने ग्रुप सॉन्ग्स वगैरह में, प्रतियोगिताएं होती थी उनमें भी गाया था मैंने, तो आज मैं उस गीत की कुछ पंक्तियां आपके साथ गुनगुनाना चाहूंगी, कि क्योंकि सुबह सुबह ये खबर मिली है और उसकी पंक्तियां भी यही है, ऊषा जय माल चढ़ाएगी। वाकई आज ऊषा ने जय माल चढ़ा दी, सुबह सुबह जय माला चढ़ा दी, क्योंकि हम विजय प्राप्त करके सुबह सुबह अपने दुश्मनों के जो आतंकवादी अड्डे थे, उन्हें 3 अड्डों को नेस्तनाबूद करके और बिल्कुल सुरक्षित अपनी सीमा में आ गए। और मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ में इसे गुनगुनाइए, गुनगुनाइए क्या, खुलकर गाइए। मंजिल आएगी आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी आएगी, ये उथल पुथल चंचल लहरी ये उथल पुथल चंचल लहरी, पथ से न डिगाने पाएंगी, पथ से न डिगाने पाएंगी, पथ से न डिगाने पाएंगी, तलवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, ये रैन धेरी बीतेगी, ऊषा जय माल चढ़ाएगी, मंजिल आएगी आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी आएगी, मंजिल मंजिल आएगी आएगी आएगी, मंजिल आ गई है, कामयाब तो हम होते जा ही रहे हैं। वैसे तुम कामयाब हैं, पूरे सशक्त हैं, ये नहीं है कि हमारे में शक्ति नहीं है या हमारे में कुछ ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी का जवाब दे नहीं सकते। मुंह तोड़ जवाब तुम कब से दे सकते थे, बहुत पहले से, जो ये इतनी छिटपुट छिटपुट, बहुत बार उन्हें सतर्क किया, समझाया प्रेम पूर्वक, कितनी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन फिर वही उनमें कहे कि हाँ बड़े आराम से यहाँ आए, वार्ताएं करी हैं, और फिर वही हाल है, वही ढाक के 3 पात। कहते ना वो लातों की भूत बातों से नहीं मानते। बाकी ये मुहावरे बहुत अच्छे हैं हमारे हिंदी जगत के साहित्य में, जो हमारा हिंदी का साहित्य है उसमें बहुत, मैं उन्हें बहुत, मुझे तो पसंद है ये मुहावरे, क्योंकि बहुत छोटी सी बात में और इतनी बड़ी बात हम कह जाते हैं बाकी। और आज जो है मैं अपने देशवासियों से ये भी कहूंगी कि जो ये हुआ है अभी घटना को जो अंजाम दिया गया है, हमने बेमतलब में नहीं किया है ये, क्योंकि बार बार अगर कोई हमें छेड़ेगा, मेरी आपने एक वीडियो देखी थी रॉबर्ट्स केव में सांप से आमना सामना, मैं उसमें बना रही थी, प्राकृतिक दृश्यों को मैं दिखा रही थी। मैं अपनी वीडियोज खुद बनाती हूँ और बोलती भी रहती हूँ और वीडियोज खुद बनाती हूँ, हाथ में मेरे फोन होता है, कई में मेरी परछाई भी आई है, आपने देखी होगी। तो
तो जो मैं बना रही थी वो बनाते बनाते मैं चलती गई और वहां पे एक सांप आ गया था। सांप से मेरा आमना सामना हो गया था, लेकिन मैंने कुछ कहा थोड़ा ना, ना उस सांप ने मुझे कुछ कहा। इसका अर्थ क्या है आप समझ ही जाइए। अगर हम सांप को भी अगर छेड़ते हैं तब वो हमें डसते हैं, ऐसे बेमतलब मैं कभी अपना फन नहीं निकालता। तो हमें भी अगर कोई बार बार छेड़ेगा हमारी सीमा के अंदर आके और इतनी गलत गलत घटनाओं को अंजाम देगा तो हम चुप क्यों बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, और बैठना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर हम चुप होके बैठे रहेंगे तो सामने वाला सोचते कि बेवकूफ है ये, या इसके अंदर ताकत नहीं है। तो अपने दिखाने चाहिए। सांप भी तो ऐसे करता है, अगर उसे कोई छेड़ेगा तो अपना फन निकालता है, पहले तो एकदम नहीं डसता, पहले फन निकालता है। लेकिन अगर तब भी कोई नहीं मानेगा तो फिर डसेगा। तो आज यही कुछ हुआ है। और अपने देशवासियों से मैं क्या कहना चाहूंगी कि जो ये वीर जवान है हमारे तीनों सेनाओं के, वायु सेना के, हमारी वायु ऊपर से हमारी रक्षा करते हैं, थल सेना वाले थल से, और जल सेना वाले जो हैं ये जल सेना, ये हमारी जल द्वारा जितने भी समुद्री इलाके आसपास के इनसे हमारी रक्षा करते हैं। और हम जो हैं बेखबर बैठे हैं यहाँ पे निश्चिंत, हम कभी इस बात का ख्याल करते ही नहीं कि हम अपने आसपास ध्यान करें। कई बार मैंने देखा है और सुनी आपने घटनाएं कि फलानी जगह से फलाने फलाने शहर में आतंकवादी पकड़े गए और वो उस जगह थे, बाजार में थे, या वो कहीं पे ऐसे रह रहे थे अपना नकली वो बनवा के, आधार कार्ड वगैरह बनवा के, और वहां पे रह रहे थे वो। बिल्कुल उन्हें देख के कोई कह भी नहीं सकता। तो अपने आसपास प्लीज कृपया करके मैं आपसे ये कहूंगी, अपनी रक्षा खुद करनी भी हमें सीखनी पड़ेगी। खाली वीर जवान ही नहीं हमारी रक्षा करेंगे, हमें अपने आसपास के जितने भी इलाके उनमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई नया कोई नागरिक तो नहीं आया है, कोई रहने आया है, अगर तो उसका ध्यान करें कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखें। अपने आसपास कोई बैग वैग पड़ा उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी ये समय है कि अभी ये मत सोचे कि ना हमने ये कर दिए तो अब कुछ हो नहीं सकता। हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है, बहुत सतर्क रहना होगा। और आज मैं अपने शब्दों को अब यहीं विराम दूंगी इस बात से कि वो जो है ना उषा, मैंने जो भी गाया था ये गीत, उषा जयमाल चढ़ाएगी, उषा ने जयमाल चढ़ा दिए। धन्यवाद।